अभी रिसेंटली एलवी यादव वर्सेस मैक्स रैंक की कंट्रोवर्सी भी आपने देखी है? नहीं, उसने बोल दिया मैं, लेकिन हाँ इतनी जल्दी तो नहीं कि मारपीट के बाद तुम तीन चार दिन के अंदर ही म्यूजिक तो बन नहीं सकता। हाँ, क्या फ्री फायर इंडिया आएगा? अब विषय तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कॉलेज को भी उतना सीरियस लेना बंद कर दिया था, तो घर वाले थोड़े शौक हो गए थे कि भाई क्या कर रहा है। यूट्यूब से महीने का कितना अर्निंग हो जाता है? महीने का अगर मान लो मैं अभी हो सकता है, मैं भी अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन तीन चार साल बाद मैं एफएफ को पूरी तरीके से क्विट कर दिया रहूंगा। हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है हमारे ऑल यूट्यूबर्स पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में। तो आज के हमारे गेस्ट है यूनिक कंटेंट क्रिएटर राकेश भाई। तो भाई ने बहुत कुछ बताया, सीक्रेट्स और फ्री फायर इंडिया का डेट बताया, और भाई फ्री फायर भी क्विट करने वाला है शायद, तो उसके बारे में बताया। तो पूरा यह पॉडकास्ट एंड से देखो, और भाई जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार, मैं फेस कैम के साथ बनाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में करके जाना, मैं नेक्स्ट गेस्ट से पूछूंगा। तो सबसे पहले शुक्रिया राकेश भाई कि आप मेरे पॉडकास्ट में इतना टाइम निकाल के, आपका इतना बिजी शेड्यूल निकाल के टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अब आप ही भेजोगे पॉडकास्ट का, अभी बियर वाई से थोड़ी भेजेंगे जो ओके ओके ठीक है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि यूट्यूब चैनल क्या सोच के स्टार्ट किया था? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, पैसा आएगा यही था। फ्री फायर बैन हुआ था तो आपको कैसा लगा? शौक लगा था ऑब्वियसली, क्योंकि मेन चैनल का कंटेंट ही फ्री फायर का ही था, एंड थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था उस टाइम पे। आई थिंक मैंने कॉलेज को भी उतना सीरियस लेना बंद कर दिया था, एंड अच्छा। चैनल पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था, तो फिर वही सोचने लगा कि भाई अब क्या करें, अभी ना उधर का रहे ना इधर का रहे, बीच में भी फंसा कहां जाए, यही सीन था। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट भी थोड़ा बहुत चेंज किया था, उसके चक्कर पे चैनल डाउन हो गया था, तो फिर उसको रिवाइव करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा। अच्छा, ऑडियंस इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हुए उस कंटेंट में? हाँ, मैं मतलब काफी अलग वीडियो का, सॉरी अलग गेम का कंटेंट डालने लग गया था, क्योंकि बीजीएमआई का डाल नहीं सकते, वो राइवल हो जाता है फिर फ्री फायर बीजीएमआई। उस टाइम पे बीजीएमआई बचा हुआ था, तब बैन नहीं हुआ था बीजीएमआई। फिर माइनक्राफ्ट वगैरह मैंने ट्राई करा था, हॉरर गेम एक दो गेम ट्राई करा था, तो उसके चक्कर में काफी डाउन भी हो गया था चैनल। अच्छा, इतना चला नहीं वो वाला कंटेंट? हाँ, एफएफ की ऑडियंस उतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते ना। हाँ, वो ऐसी लोग देखते हैं फिर चले जाते। हाँ, इतना जल्दी कनेक्ट नहीं होता एफएफ की ऑडियंस दूसरे गेम्स में। आपका कंटेंट यूनिक सा है, तो इतना आइडिया, यूनिक आइडिया कहाँ से लाते हो? कुछ नहीं, यूजुअली हर जगह, मतलब यूजुअली तो मेरे को कंटेंट यूट्यूब से ही आ जाता है, लाइक इसे स्क्रॉल करते रहो, मान लो कोई किसका वीडियो मैंने देख लिया, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, एंड उसी हिसाब से कोई मतलब सिमिलर कंटेंट तो बना नहीं सकते, क्योंकि फिर कॉपी बोलेंगे ऑडियंस पकड़, कॉपी तो ऑब्वियसली खुद की नजर में खुद गिर जाएंगे, तो उसी हिसाब से कुछ यूनिक आइडिया मिल जाए। जैसे अभी मेरा जो कंटेंट अभी है, तो वो जैसे स्टोरी टेलिंग के साथ वॉइस ओवर, ये आइडिया मेरे को आया था एक्चुअली मॉन्की मैजिक करके एक यूट्यूब चैनल है, लाइक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ वीडियोस को प्रेजेंट करना, वो वहां से आया था। तो ऐसे ही हर जगह मतलब देखते रहो, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आ ही जाता है। ठीक है, क्या फ्री फायर इंडिया आएगा? अब विषय तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दिमाग से हटा लो तो बेहतर है, क्योंकि आना होगा तो आ जाएगा, जैसे बीजीएमआई बीच में गया था फिर आ गया, एंड मतलब वो ज्यादा ऐसे हाइप क्रिएट नहीं करेगी, हम आने वाले आने वाले आने वाले, फिर आते ही नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया, थोड़ा टाइम लिया, गवर्नमेंट से बात किया, जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया, फिर वापस गेम लेके आ गए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा उनको। हाँ वैसे ही ना, मतलब क्या है, हाँ बहुत हाइप बना रहा है गेम भाई का, बना दिया था। अभी एफएफ का पता नहीं क्या है, वो बोल रहे आ रहे थे सितंबर 5 तारीख को भी गया था, 23 की बात है, 5 सितंबर को काफी हाइप क्रिएट हुआ था, ट्रेलर वगैरह लॉन्च करे,
पता नहीं क्या हुआ, कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। तो हाँ सिंपल बात ये कि आना होगा तो आ जाएगा, FF में आग से वो खेल रहे हो खेलने दो। ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो मेरे हिसाब से FF को छोड़ के कोई दूसरा गेम पकड़ो। कुछ टाइम के बाद इंडिया का भी काफी बड़े बड़े गेम्स आने वाला है, जैसे इंडस हो गया, UGW हो गया, और भी बहुत सारे गेम्स पे भी डेवलपमेंट पे चल रही है इंडिया पे, हाँ तो उसका वेट करो। देश का अपना चीज होगा तो वो बैन वैन का चक्कर भी उतना नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली एलवी शादव वर्सेस मैक्स रैंक की कंट्रोवर्सी भी आपने देखी है? हाँ मैं काफी टाइम पे मतलब यूट्यूब से थोड़ा गायब था, हाँ जिस टाइम पे ये सीन हुआ था, हाँ तो जब मैं 4-5 दिन बाद वापस यूट्यूब खोला, कंटेंट के लिए ना मेरे को थोड़ा यूट्यूब से दूर रहना पड़ता है दो हाँ तीन दिन, तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा ऑफलाइन था। फिर जब वापस गया देखा क्या चल रहा है। आपको क्या लिया, क्या लगा था पहला देखा कुछ नहीं है, मैं नियोन मैन का एक्चुअली न्यूज देखता जब? हूँ हाँ काफी ज्यादा, नियोन मैन एंड न्यूज बॉय हाँ का मैं भी देखता हूँ। कभी कभी फीड भी आ जाते हैं तो हाँ देख लेता हूँ, तो उससे पता चला। फिर अभी रिसेंटली उनने कुछ तो वीडियो डाला था कि उनका कोई सॉन्ग आने वाला है दोनों का, हाँ मैक्सटन एंड एल्विस का, तो आई थिंक उसी की प्रमोशन के चक्कर पे ये सब हुआ। स्क्रिप्टेड हो सकता है, मैं भी पता हाँ नहीं, नहीं, उसने बोल दिया लेकिन मैं। हाँ इतनी जल्दी तो नहीं कि मारपीट के बाद तुम 3-4 दिन के अंदर ही म्यूजिक तो बन नहीं सकता, म्यूजिक हाँ वीडियो सब, वो काफी टाइम से उनका हाँ बात चल रहा होगा। वही सब ऐसे ही बोल रहे, स्क्रिप्टेड है। लेकिन मैक्सटर ने बोला कि नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसे बोल रहा था। अब क्या पता उन लोगों को ही अरे अभी पर। आप और मैं लड़ाई नहीं, अभी आप और मैं मान लो लड़ाई करेंगे और मैं कैमरा पे आके बोल दूँ, स्क्रिप्टेड लड़ाई करेंगे हम दोनों और कैमरा पे आके मैं बोल दूँ कि नहीं हमारा स्क्रिप्टेड नहीं था, तो सच थोड़ी हो जाएगा। हाँ जो होगा वो होगा, बोलने वाले तो वो बोलेंगे ही। आप क्या, उन लोगों को ही पता है क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ओके ठीक है। यहाँ होगा रैपिड राउंड ऑफ, इसमें 60 सेकंड में 12 सवाल के जवाब देना है। ओके ठीक है हाँ हाँ, 60 सेकंड में 12 सवाल है, उसका आंसर करना है। हाँ हाँ तो चलो, फर्स्ट वन है कि इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो काफी सारे लोग हैं, जैसे यूट्यूब शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन आया था सुमित007 करके एक यूट्यूबर है, सीओसी का कंटेंट क्रिएटर है, तो FF मैंने शुरू करा। अब कंटेंट के लिए एरो गेमिंग को इंस्पिरेशन लिया था मैंने, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा डालने के लिए ऑब्वियसली, हाँ तो ये हो गया दूसरा इंस्पिरेशन। एंड तीसरा इंस्पिरेशन गेम प्ले वीडियो डालने के लिए क्रॉसबोन गेमिंग करके एक यूट्यूबर है, काफी हाँ अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो। चौथे इंस्पिरेशन मैंने लिया था मॉन्की मैजिक से, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, लाइक यूट्यूब वीडियो को कैसे हाँ एंगेज करना है गेम प्ले वीडियो के साथ, थोड़ा बहुत जैसे कहीं पे हाइप क्रिएट करना हो या फिर कहीं पे थोड़ा सा सरप्राइज देना हो व्यूअर्स को, मतलब इस तरीके से स्टोरी टेलिंग कैसे परफेक्ट करना हो, तो उसके लिए मॉन्की मैजिक से मैंने इंस्पिरेशन लिया था। हर ठीक जगह से है, फैमिली इंस्पिरेशन ने होता सपोर्ट है। किया था? हाँ शुरू से मतलब शुरू में तो लाइक जब तुम बोलो, मतलब मैंने बोला था कि ऐसा यूट्यूब में करता हूँ एंड इसमें पैसे वगैरह आते हैं मतलब आएंगे, तो फिर हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब $10 कंप्लीट हुआ था मेरा चैनल पे, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए आधार चाहिए होता है, पैन चाहिए होता है, तब मेरा 17 ईयर था हाँ तो मेरा ना ही पैन था एंड तो इसके वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा मतलब नहीं कर सकता, तो घर पे जब मैंने बोला कि ये सीन हाँ है मेरे को पैन कार्ड चाहिए एंड आधार कार्ड चाहिए तो वेरिफिकेशन के लिए, तो घर वाले थोड़े शॉक हो गए थे कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, बाहर से कहीं हाँ क्यों आ रहे, तो ये सब था। फिर जब रिलेटिव से बात किए एंड रिलेटिव मेरे काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने कहा कि ये सब अच्छा सही है, मतलब ज़्यादा कुछ ख़राब चीज़ नहीं है, ये यूट्यूब करके एक चीज़ है, इसमें ऐसे ऐसे होता ओके है, तो घर वाले मान गए। पापा थोड़े बहुत नाराज थे लेकिन अब सब सॉर्टेड है। हाँ अच्छा, तब शायद पता नहीं होगा ना हाँ उनको, हाँ ऐसा सब होता है, इसलिए बोले सबकी होंगे। यही होती है, सब यूट्यूबर की कहानी। और ठीक है, FF मैक्स और फ्री हाँ फायर, मैक्स क्योंकि FF तो है ही नहीं, ओके फेवरेट यूट्यूबर? अभी मॉन्की मैजिक है, हाँ ओके, अबाउट अभी स्टडीज, ग्रेजुएशन मेरा हो गया कंप्लीट, ओके ठीक है। एक बैड हैबिट, वेला हूँ, वीडियो बनाने में काफी लेट करता हूँ। वाह ये तो बैड हैबिट नहीं हुई नहीं भाई। और जल्दी बन सकता ओके है मेरा कोई बात वीडियो, नहीं, तो ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा और जल्दी बन सकता है मेरा वीडियो। हाँ हाँ आपके हिसाब से ठीक है।
ठीक है, यहाँ हो गया रैपिड राउंड ऑफ खत्म हो गया। बढ़िया, आपने सब सवाल का जवाब दिया। इसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब होगा दूसरा। कोई बात नहीं, हम तो 60 सेकंड बोलेंगे थे भाई, आप दे दिए, बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब होगा दूसरा राउंड, उसका नाम है तीन तिगड़ा काम बढ़िया। हाँ ठीक हाँ है, इसमें होगा, इसमें तीन क्वेश्चन पूछूंगा, उसको आपको आंसर करना है बस। ठीक है, हाँ ठीक है। फर्स्ट वन है कि ये बताओ कि यूट्यूब से महीने का कितना अर्निंग हो जाता है। महीने का अगर मान लो मैं अभी कुछ ना डालो यूट्यूब पे, अभी लाइक मेरा जितना भी हाँ वीडियो वायरल वगैरह हो गया है तो 3-4 महीने में $100 हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं अभी जितना यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ उतना डालता रहूँ तो मिनिमम आई थिंक 8 to 10 के हो जाते हैं, 8, 10 के, 12 के ऐसे मान लो। अच्छा, वो व्यूज के हिसाब से आता है महीने का, अभी टेन इतना टू मेरा ट्वेल्व इतना मतलब बढ़िया कंटेंट बन गया है, लाइक वो वीडियो से ऐसे चलता रहेगा तो मैं यूट्यूब पे काम ना करूँ तो भी मेरे को 3-4 महीने में $100 आ जाएगा। अरे भाई साहब, ओके। तो राकेश भाई ये बताओ कि फ्यूचर का प्लान क्या है, फ्री फायर में ही कंटिन्यू करना है, कुछ दूसरा ट्राई भी करना है। नहीं अभी तो मैंने काफी मतलब ज्यादा प्लान्स कर रखा है कि FF को मेरे को छोड़ के दूसरे गेम्स ट्राई करना है। हाँ लेकिन FF ऐसा है कि मतलब मैं बहुत पहले से ही ये सोचा हुआ था कि FF का कंटेंट उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, क्योंकि FF से पहले COC चला करता था, उससे पहले मिनी मिलिशिया चला करता था। गेमिंग इंडस्ट्री का ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर गेम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता, हर एक गेम का हाँ ट्रेंड 2-3 साल के लिए आता है फिर वो बंद हो जाता है एंड वो गेम फिर डाउन चले जाते हैं। तो अभी गेमिंग कम्युनिटी में सस्टेन करना है तो अलग अलग गेम्स को ट्राई करना मतलब ट्राई करना ही पड़ेगा हाँ तुमको, वरना फिर हाँ तुम्हारा ट्रेंड भी आएगा गेम के साथ, तुम्हारा ट्रेंड आएगा गेम खत्म होने के बाद तुम्हारा ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से हाँ दूसरे गेम्स ट्राई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में पूरा शुरू से लेकर एंड तक सस्टेन करना चाहते हो देन तुम्हें खुद को गेम बनाना पड़ेगा। लाइक अगर बेस्ट एग्जांपल जो जो टेक्नो गेमर्स बेस्ट एग्जांपल है, मतलब प्रॉपर गेमिंग हाँ इंडस्ट्री में डोमिनेट करना किसे कहते हैं, इंडिया के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, हाँ तो टेक्नो गेमर्स परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है। लाइक वो पहले पबजी से शुरू किए थे, फिर धीरे धीरे दूसरे हाँ गेम्स पे शिफ्ट हुए एंड अभी इतना ब्रांड वैल्यू हो गया कि उनका एक प्रॉपर गेम भी है गेम उनका भी है, खुद का। हाँ बैटल तो वाला है। वही हाँ वही अगर गेमिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करना है तो सबसे पहले तो एक ही गेम से शुरू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे दूसरे गेम पे शिफ्ट होना पड़ता है एंड हाँ एकदम गेमिंग इंडस्ट्री में डोमिनेट करना है तो खुद का गेम बनाना पड़ता है। तो मेरा अभी फ्यूचर प्लान यही है कि अभी दूसरे गेम पे थोड़ा बहुत शिफ्ट होना है एंड उसके बाद अच्छा, खुद का गेम्स बनाना है। एंड हो सकता है मैं भी, अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन 3-4 साल बाद मैं FF को पूरी तरीके से क्विट कर दिया रहूंगा, हो सकता है ऐसा। अच्छा भाई, लेकिन यही है कि अरे भाई FF भाई, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करना है तो कंटेंट भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है एंड अच्छा भाई, यही है फ्यूचर प्लान। आपकी ऑडियंस को थोड़ा शॉक लग सकता है भाई ये बात सुन के। हाँ मे बी, लेकिन हाँ हाँ लेकिन जो है यही वो है करना फ्यूचर पड़ेगा। प्लान्स। हाँ गेम्स पे शिफ्ट होना है तो वो तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो अभी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो 3-4 साल बाद ऑब्वियसली वो लोग भी FF से बोर हो ही जाएंगे एंड हाँ ये तो सही है। उसी हिसाब से मैं क्रिएटर हूँ, वो लोग सिर्फ गेम खेलते हैं, मैं गेम खेलने के साथ साथ कंटेंट भी बनाता हूँ तो हर साल एक ही गेम के अंदर वीडियो बनाना तो फिर वो मेरे लिए भी काफी बोरिंग लगता है। तो अच्छा, यही आपके है हिसाब प्लान। से बना सकते हाँ मेन तो FF को धीरे धीरे क्विट करके दूसरे गेम पे शिफ्ट होना है एंड फिर कुछ टाइम के बाद खुद का गेम्स बनाना है। एक मैं अभी थोड़ा बहुत गेम डेवलपमेंट के बारे में सीख रहा हूँ, लेकिन पीसी वीसी हाँ आएगा तो थोड़ा और ज्यादा मैं मतलब उसमें हाँ अच्छे से सीख आगे बढ़ सकते हो। सकता हूँ, अभी तो बस हाँ बुक्स वगैरह रीड कर रहा। अच्छा भाई, मतलब फ्यूचर में अपना खुद का गेम बनाने वाले हो। हाँ, ऐसा हाँ कुछ प्लान है, मैंने बता रखा है 1-2 बार बट मैक्सिमम लोगों अच्छा, को आप पता नहीं होगा शायद, अभी इसके बाद पता इस चल जाएगा। पॉडकास्ट के थ्रू पता चल जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, तो वही है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए तो दूसरे गेम्स भी ट्राई करना पड़ेगा, यही बात बोल रहे हो हाँ आप। अभी होगा पालक झपक राउंड, ठीक है।
इसमें 30 सेकंड में 10 सवाल के जवाब देना है, सब वन वर्ड है, तो आराम से देख सकते हो, ठीक है, 30 सेकंड में। हाँ ओके ठीक है। फर्स्ट वन है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ऑब्वियसली यूट्यूब। एज? अभी 21 का हो जाऊंगा। बर्थ डेट? 11 अगस्त। कौन से स्टेट से हो? ओडिशा। गर्लफ्रेंड है? नहीं है। सच में? अरे सच में नहीं है। ओके फेवरेट मीम? मीम वो आबे साले वाला। ओके ठीक है। कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में? नहीं देखता आईपीएल वगैरह नहीं देखता। ओके कोई बात नहीं ठीक है। नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? पता नहीं, काम करने का मन करे तब कर, रूटीन तो बहुत बढ़िया है भाई। बढ़िया है, जब मन करा तब उठाओ वीडियो बनाओ। यूट्यूब का यही तो फायदा है। हाँ 1 मिलियन डायमंड और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स? सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली, क्योंकि सब्सक्राइबर्स होंगे सब्सक्राइबर्स तो 1 मिलियन डायमंड तो यूं ही आ जाएगा, डायमंड्स भी आ जाएंगे। ओके आईफोन और एंड्रॉइड? अभी तो एंड्रॉइड, क्या आईफोन कभी यूज किया नहीं है तो अभी के लिए तो एंड्रॉइड है। कोई बात नहीं भाई, इन द फ्यूचर आप भी ले लोगे आईफोन, पता नहीं कंटेंट इतना बढ़िया है अभी चल रहा है। अभी तो पीसी लेना है, आईफोन की तो बात है, अभी पीसी लेना है। हाँ फर्स्ट पीसी पे फोकस कर रहे हो अभी, ठीक है भाई। यहाँ पे सभी राउंड हो चुके हैं, अभी हमारा पॉडकास्ट भी खत्म हो चुका है, तो थैंक यू सो मच राकेश भाई आने के लिए पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, ऐसा बहुत अच्छे से तरीके से बात किया आपने, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके आए, क्योंकि बात ऐसी है कि हम लोग ये पॉडकास्ट पहले बना चुके थे, अब वो डिलीट हो गया, तो हम लोग दोबारा बना रहे हैं पॉडकास्ट। अगर आपको अभी तक बने हुए हो तो अभी हमारा भाई दूसरा ये पॉडकास्ट है एक्चुअली, में देखा जाए तो आपके लिए पहला है, मेरे लिए दूसरा है। तो आई थिंक पहला पॉडकास्ट हमारा काफी बढ़िया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बाकी भाई पहला पॉडकास्ट है, अभी तक वीडियो पे बने हुए तो बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा ये, एंड फ्यूचर में इसका पार्ट टू लाइक चाहिए कि नहीं, आप अगर आपको चाहिए होगा तो हाँ बता देना, तो हम लोग सेकंड पॉडकास्ट भी लाने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए सेकंड होगा, हमारे लिए थर्ड होगा। हाँ भाई राकेश भाई सच बोल रहा भाई, हमने पिछला पॉडकास्ट कॉल किया था 25 मिनट का था, लेकिन भाई पता नहीं क्या हुआ टेक्निकल एरर से, इतना अच्छे तरीके से भाई पॉडकास्ट गया था भाई ने, मतलब क्या ही बताऊं भाई, वो इतना बुरा लग रहा है ना भाई, क्या बताऊं, पूरा 25 मिनट का रिकॉर्डिंग चला गया भाई साहब। लेकिन फिर भी राकेश भाई फिर से आए तो भाई उनका बड़प्पन है, तो थैंक यू सो मच यार, आप फिर से आके पॉडकास्ट दे दिए, थैंक यू सो मच। अभी पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके बताना, एंड भाई को थोड़ा मैं बोलूंगा पार्ट टू के लिए थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल बना के रखे, एंड पार्ट टू वाला इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई आप लोग बोलोगे तो करेंगे, तो राकेश भाई एक बार बोल दो यार सब्सक्राइब करने की, आपका बात सुनेंगे लोग। नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, मतलब इतना पॉडकास्ट अभी तक देख लिया हो तो कर देना तो चाहिए, होना चाहिए, तो नहीं किया हो अभी तक भाई, तो कर दो, कर लो, पार्ट टू भी तो देखना है, फटाफट कर लो। हाँ भाई पार्ट टू इस भी आएगा, ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच राकेश भाई फिर से, चलो पॉडकास्ट को यही पे एंड करते हैं। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनताना नाम हुंदा आ।